गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने समास का सेकंड नंबर का प्रकार पढ़ा था, तत्पुरुष समास। अब आज हम तत्पुरुष समास के ही प्रकारों का अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, अपनी CW कॉपी का पीछे वाला पोर्शन निकाल लीजिए और पेन लेकर तैयार हो जाइए। पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद आप क्या करिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के प्रकार। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष समास होता क्या है। पढ़ा था वह समास जिसका उत्तर पद प्रदान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस समास में दूसरा पद प्रदान होता है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। जब हम विभक्ति उसको विग्रह करते हैं तब तो रहते हैं विभक्ति, फिर जो परंतु जो समस्त पद रहते हैं उनमें इसका लोप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं उसके आज प्रकार, ठीक है। तो आप देखना कि जो तत्पुरुष समास के प्रकार होंगे उसमें किसके कारकों की विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। और कौन कौन से दो कारक होंगे जिनका प्रयोग नहीं होता है, एक तो कर्ता कारक जो कोई काम को करता है और एक संबोधन कारक जो किसी का संबोधन करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास के प्रकार में पहला प्रकार है कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, को विभक्ति, है ना। यानी प्रत्येक प्रकार में अलग अलग विभक्ति का लोप होता है। देखिए फर्स्ट कर्म तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, को विभक्ति, ठीक है। ये लिखा है विभक्ति, इसमें को विभक्ति। अब देखिए सेकंड है जो करण तत्पुरुष समास, इसमें से के और द्वारा ये तीन विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर का है संपदान तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, के लिए विभक्ति का लोप होता है। अब फोर्थ नंबर का है अपादान तत्पुरुष समास, इसमें से अलग होना। अब यहाँ भी आप सोचेंगे कि करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति का लोप हो रहा है और यहाँ भी से विभक्ति का लोप हो रहा है, तो दोनों में अलग अलग मतलब निकल रहा है, ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, और मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कैसे। इसमें जैसे लिखा है भूख भूख मरा, यानी ये भूख से मर रहा है, यानी उसमें वो चीज़ युक्त हो रही है, प्रयुक्त, यानी भूख से वो मर रहा। अब यहाँ लिखा है सेवा से मुक्त, यानी तो वो क्या हो रहा, वो चीज़ से मुक्त हो रहा है, यानी हट रहा है या अलग हो रहा, और इसमें हट नहीं रहा है, उसी में अंदर लुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्त हो रहा है परंतु यहाँ पे वो मुक्त नहीं हो रहा है, वो चीज में रमा हुआ है, तो यहाँ इस चीज का डिफरेंस है। अब अगला देखिए संबंध तत्पुरुष समास, इसमें देखिए का की और के ये विभक्ति का लोप हुआ, ठीक है। अब अगला देखिए अधिकरण तत्पुरुष, इसमें देखिए मैं और पर विभक्ति का लोप हो रहा है। अब अगला देखते हैं ये नज, क्या है ये नज तत्पुरुष, इसमें क्या है कि
पहला पद जो होता है वो नकारात्मक होता है। क्या होता है इसमें? नकारात्मक, नकारात्मकता यानी नहीं का भाव रहता है पहले शब्द में। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला देखते हैं प्रकार, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। हम देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे देखिए यश को प्राप्त, जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या हुआ, इसमें क्या लगा था, को लगा था। ठीक है, ये लगा ना को। बीच में देखिए, अब देखिए जब इसका समस्त पद हमने बनाया तो क्या हुआ, ये को हट गया, यश और प्राप्त आ गया, यश प्राप्त। ठीक है, अब सेकेंड उदाहरण इसका देखते हैं, स्वर्ग को गया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर को हटा दिया, ये जब उसका विग्रह किया गया तो को लगा है यहाँ, किंतु जब समस्त पद बने सभी पद तो ये स्वर्ग और गया, बस इतना ही इसमें लिखा। स्वर्ग गत यानी भी होता है गया, तो स्वर्ग गत, स्वर्ग को गया हुआ यानी को विभक्ति हट गई और क्या गया, स्वर्ग गत। अब थर्ड उदाहरण देखिए, ग्राम को गया हुआ, यहाँ भी को विभक्ति लगी है, अब इसमें को हट गया, क्या हो गया, ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही समझिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, और इसको फिर से आप रीड करिएगा और अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।